See ya. Poison. और इस वक्त एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उसमें मैंने गुजारिश की थी कि डल में जो 13 हाउस बोट्स हैं होटल्स हैं उनके साथ कितनी प्रॉब्लम है, उनके साथ कितनी ज्यादती है। ये पिछले 30 साल से सफ़र कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि यहाँ से जितने भी हाउस बोट्स हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा डोल्डन, लेकिन जब वो निकलेंगे तो ये 13 होटल्स यहाँ क्या करेंगे। इनके साथ काफ़ी जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के पास एवेन्यूज़ है, दो जगह है इनके लिए, एक गुप्तगंगा है और एक रेलवे स्टेशन, जहाँ पे गुप्तगंगा में 500 एकड़ लैंड है उनके लिए जो टूरिज्म में आता है। अगर वो चाहेंगे तो उनको अच्छे से एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है। मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट अब गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूँ कि इनकी जो ये प्रॉब्लम है ये जल्द से जल्द सॉल्व की जाए। अगर नहीं होती है तो एज एन एडवोकेट मैं जितने भी लीगली रेमेडी अवेलेबल है मैं उनको अवेल करता हूँ। तो ये बताइए, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, जल पोल्यूट नहीं होगा, काफ़ी सारी वादी नहीं निकली जी। देखिए देखिए, अभी आपने उनको भी सुना, ड्रेनेज जो सिस्टम जो स्कीम थी वो सिर्फ कहने तक की है, लेकिन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उनसे जो इनको कभी राहत ना आराम मिली, उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे वो देखा ही नहीं। तो सर आप अपने अपना नाम पहले बताइए। जी, हमारा नाम है निज़ीर अहमद। हम तो होटल के साथ है, हमारा अपना होटल है। सर थोड़ा बहुत टूरिस्ट के बारे में बोलिए। टूरिस्ट तो अभी जब से गवर्नर साहब आया है उसकी मेहरबानी से तो यहाँ टूरिस्ट बहुत आने लगा। सही है, आप भी देखता होगा अभी डल झील में कितने घूमते हैं, शिकारा में, हाउस बोट में, होटल में। हमारी रोज़गार अभी थोड़ा थोड़ा आशा लगी। खाली हमको एक ही प्रॉब्लम है जो हमारे होटल का है, क्योंकि मतलब हमारे होटल में हमको लगता है खतरा, तो टूरिस्ट की बात ही नहीं है। सर क्या खतरा लगता है आपको? खतरा लगता है अगर कोई मतलब जिलजिला आएगी तो ये होटल गिर जाएगी।
सर क्यों ये होटल फुली ये तो डैमेज है, हम इसको बोल रहा है 86 से, हमने इनको पेपर भी दिया है, सब कुछ दिया है, यह हमको दिखाता है वो सपने। सर तो आपकी या ना हमको ये रेनोवेशन करने देता है, ना हमको ये मरने देता है, ना हमको ये जीने देता है, ना कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी है, ना कुछ भी नहीं, लेकिन हम तो मजबूर हैं हम अपने पेट के लिए टूरिस्ट के साथ काम करने के लिए। टूरिस्ट अभी मतलब हम शुक्र गुजार है गवर्नर साहब से जो भी मतलब हमारे लिए इतना सेवा कर रहा है। सर आपकी अब फाइनली डिमांड क्या होगी गवर्नर साहब से? हम तो गवर्नर साहब से यही अपील कर रहे हैं, प्लीज़ हम इसको रिक्वेस्ट कर रहा है जो हमारे 13 होटल है हमको रेबिटेट किसी दूसरे जगह में करो। इनके इनके पास लैंड है, एक तो रेलवे स्टेशन के पास है, दूसरा गुप्त गंगा में 500 कनाल है, वहाँ पर भी अगर ये हमको ज़मीन दे देंगे हम अपना रूटी चला सकते हैं आराम से। ओके ओके। सर आपका नाम? मामा छिपी मीर। सर आप कहाँ के रहने वाले? मैं यही डल झील का रहने वाला। सर थोड़ा सा हमें बताइए डल के बारे में, आज मतलब हालात ठीक हो गए तो टूरिस्ट का कैसा आमदोरफ्त है यहाँ पे? टूरिस्ट है आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट आ रहे हैं, मगर ये बुकिंग है, खुले टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं अभी। शिकारे वाले, फेरी वाले, हाउस बोट वाले, कुछ कुछ लोग को रोज़गार चल रहा है अभी भी, कुछ हाउस बोट होटल वो खाली है, ड्राइवर इससे जो इसके साथ ड्राइवर भी जुड़े हुए हैं, कुछ शोरूम वाले यहाँ अंदर मीना बाज़ार में। सर अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों से क्या टूरिस्ट की आमदोरफ्त बेटर है, ज़्यादा है या कम है? कम है सर, कम है। तो बाकी आप खुद क्या काम करते हैं? हम भी टूरिस्ट के साथ सर। तो आपको कुछ दिखा मिला इस बार, आपने कुछ पैसा कमाया टूरिस्ट को लेके? भाई उतना भी नहीं सर, उतना भी नहीं कमाया हमने, क्या 5-6 हज़ार रुपये कमाया होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं है। हम तो डल में 13 होटल है जी, और हमारे साथ गवर्नमेंट ने बहुत जाती किया है 86 से, ये हमको वो सपने दिखाते हैं। इन्होंने हमको मतलब उस वक्त था एक VC, उन्होंने हमको बहुत जगह में, परवेज दीवान था, उसने हमको बहुत जगह में ज़मीन भी दिखाया, ये लो ज़मीन हमको, ये कल कह रहा है ये ले लो ज़मीन, सुबह यही लोग बोलता है ये ग्रीन बेल्ट है, हमको ये दिखा मतलब हमारी ज़मीन मतलब ये हमको कल आज तक नचाते हैं 86 से। अब हमारे बाप भी मर गए ये देख के, ये सपने देख के। और बाकी जो इन्होंने ये ड्रेने वेने ये सब सिस्टम ये सब फेल है, क्योंकि हमको इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं है। बाकी जो भी पोल्यूशन अभी जाता है, चाहे वो होटल का हो, चाहे हाउस बोट का हो, चाहे घर वाले का हो, वो सब डल में जाते हैं। या अगर वहाँ से 1 किलो निकालता है तो 10 किलो वहाँ वापस आते हैं। बाकी इनके पास ज़मीन है उधर गुप्त गंगा में है 500 कनाल, ये अगर चाहते थे इनको एक मीटिंग करना था तो ये मसला बिल्कुल हल होती थी। ये बताइए जो डल में रहने वाले लोग हैं कितने परेशान हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे की फैमिलीज भी बढ़ चुकी है और रिपेयरिंग करने नहीं देते हैं आप लोगों को फिलहाल। और दूसरा जो ड्रेनेज